बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, टुडे आवर टॉपिक इज़ कैंसर। सो कैंसर बेसिकली क्या होती है? अनकंट्रोल्ड सेल डिवीज़न होती है, जो कि माइटोटिक डिवीज़न होती है। अब इसमें जो है क्या होता है, इसमें सेल्स जो हैं वो मल्टीप्लाई होते जाते हैं, वो अनकंट्रोल्ड डिवाइड होते जाते हैं माइटोटिकली, जिससे जो है सेल्स के जो है एक क्लोन बन जाती है, जो के अपने एक्सपेंड होती जाती है, एक सेल से दूसरे, दूसरे से तीसरे। इस तरह से जो है जब वो एक्सपेंड हो जाएगी तो वो एडजेसेंट सेल्स को भी इन्वेड करना शुरू हो जाते हैं। एक तो उनको इन्वेड भी करना शुरू हो जाते हैं, दूसरा वो जो ट्यूमर्स होते हैं या जो उनके क्लोन होती है, वो सेल्स की आपस में जो कनेक्शन होते हैं उसको भी ख़त्म करना स्टार्ट कर देते हैं। उनके दरमियान जो है बैरियर्स के तौर पर एक्ट करना शुरू कर देते हैं, जिससे मुख्तलिफ सेल्स के दरमियान इंटरेक्शन जो है वो कम हो जाता है, और जो है उनमें जो नॉर्मली जो फंक्शंस होते हैं सेल में, जैसे ब्लड फ्लो है, ब्लड फ्लो नहीं होगा जब आगे से ट्यूमर्स प्रोड्यूस हो जाएंगे ब्लड वेसल्स में, वो नहीं हो सकता। इसी तरह हार्मोन्स हैं, उनकी जो है सिक्रेशन जब रिलीज़ होती हैं तो वो प्रॉपर जो है अपने टारगेट सेल्स तक नहीं पहुंच पाती। इसी तरह और भी इसके बहुत सारे साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं ट्यूमर्स के, जब ऑर्गन्स में ट्यूमर्स डिवेलप हो जाएँ तो उसकी फंक्शनिंग को ये डिस्टर्ब करते हैं। तो ये जो है बेसिकली क्या होती है, अनकंट्रोल्ड सेल डिवीज़न होती है। अच्छा, अब जो है यहाँ पे लिखा है कि व्हेन सच सेल्स प्रोड्यूस न्यू सेल्स विच कंट्रीब्यूट टू प्रोलिफरेट इन अनकंट्रोल्ड फैशन, एक क्लोन प्रोड्यूस हो जाती है जो कि अनवांटेड होती है, जिसको हम ट्यूमर का नाम देते हैं, जो कि एक्सपेंड होती जाती है। अब ये ट्यूमर्स जो हैं फ्रीक्वेंटली मज़ीद जो है ये एक्सपेंड होते हैं, प्रोड्यूस होते हैं ओल्डर एनिमल्स में भी, ह्यूमंस में भी। इसकी बेसिकली दो टाइप्स होती हैं। फर्स्ट है वो है बेनिन ट्यूमर। बेनिन ट्यूमर्स ऐसे ट्यूमर्स होते हैं जो कि नुकसानदेह नहीं होते, हार्मलेस होते हैं। क्यों हार्मलेस होते हैं? क्योंकि एक तो उनका साइज़ छोटा होता है, दूसरा वो लोकलाइज्ड होते हैं, मीन जहाँ पे वो प्रोड्यूस होंगे उसी पॉइंट पे ही वो रहते हैं, वो एक सेल से दूसरे सेल में वो फैलते नहीं हैं, तो इसलिए जो है वो हार्मलेस होते हैं, साइज़ में भी छोटे होते हैं। उसके बाद जो है वो नॉर्मल सेल्स की तरह ही बिहेव करते हैं। इनका जो दूसरा जो है वो इनका पॉइंट है वो क्या है कि नॉर्मल सेल्स के तौर पे ही एक्ट करते हैं, और इनके जो नुकसानदेह इफेक्ट हैं बहुत कम होते हैं। सिर्फ ये क्या करते हैं, नॉर्मल सेल्स में इंटरफेरेंस करते हैं, थोड़े से जहर उनकी फंक्शनिंग में थोड़ा सा इंटरफेरेंस करते हैं, और दूसरा जो हार्मोन सिक्रेशंस प्रोड्यूस करते हैं उनकी सिक्रेशंस प्रोड्यूस करने के प्रोसेस में भी ये इंटरफेरेंस काज करते हैं। ये दो इनके साइड इफेक्ट्स हैं। अब जो है देखते हैं हम दूसरी जो टाइप है वो कौन सी है कैंसर सेल्स, दूसरी जो ट्यूमर्स की टाइप है वो है मैलिग्नेंट ट्यूमर, या जो कैंसर होता है ये जो है इसकी बहुत ज़्यादा जो है इसकी आप कह सकते हैं डाइवर्स्ड जो है टाइप है। इसमें क्या होता है, जो सेल्स हैं वो बहुत ज़्यादा तेज़ी से फैलते हैं, रैपिडली टिश्यूज़ को इन्वेड करते हैं, उनको भी इन्वेड करते हैं, मीन उनके अंदर जो है वो अब्जॉर्ब होते जाते हैं, बॉडी के सर्कुलेटरी सिस्टम में इंटरेप्ट करते हैं, मज़ीद प्रोलिफरेट मीन्स मज़ीद डिवाइड होना शुरू हो जाते हैं, जहाँ से वो ओरिजिनल प्रोड्यूस हुए थे वहाँ से अब वो फैलाव उनका शुरू होना शुरू हो जाता है मुख्तलिफ बॉडी पार्ट्स में। उसके बाद इस तरह के उस ट्यूमर के स्प्रेड को और इस्टेब्लिशमेंट ऑफ सेकेंडरी एरियाज ऑफ ग्रोथ मीन्स कुछ और एरियाज ग्रोथ के जब वो डिवेलप हो जाएँ इन्हीं ट्यूमर्स की वजह से, इस प्रोसेस को कहते हैं मेटास्टेसिस। अब कैंसर सेल्स कैसे होते हैं, कैंसर सेल्स अगर हम देखें तो नॉर्मल सेल से कैसे डिफरेंट होते हैं, क्योंकि वो लेस डिफरेंशिएटेड होते हैं नॉर्मल सेल्स से। आप सब जानते हैं जब जो नॉर्मल सेल्स होते हैं उनमें डिफरेंशिएशन होती है, मींस उनकी प्रॉपर फंक्शनिंग जो है वो क्या होती है, ऑलरेडी डिस्टाइंड होती है, जबकि इसमें क्या है, इनमें इनका ये सिर्फ क्या होते हैं डिफरेंशिएटेड नहीं होते बल्कि मेरिस्टमेटिक होते हैं, बल्कि हाईली मेरिस्टमेटिक सेल्स होते हैं जिसमें हाई न्यूक्लियस टू साइटोप्लाज्मिक रेशियो होती है, प्रोमिनेंट न्यूक्लियोलाई होते हैं, और माइटोसिस बार बार इनमें होती रहती है जो ये ट्यूमर सेल्स होते हैं। अब द प्रेजेंस ऑफ इन्वेडिंग सेल्स इन अदरवाइज नॉर्मल टिश्यूज, ये इंडिकेशन है कि मेलिग्नेंसी हो गई है जब बहुत ज़्यादा इन्वेडिंग सेल्स प्रेजेंट हो। कैंसर जो है मेनली कॉज किसकी वजह से होता है, सोमैटिक सेल्स में म्यूटेशंस की वजह से होते हैं। सेकेंडली कैंसर से क्या होता है, एक्यूमुलेशन ऑफ फ्यू और 3 to as many 20 म्यूटेशंस, कैंसर जो है किसकी वजह से होता है, म्यूटेशंस की वजह से, जब 20 या उससे भी ज़्यादा म्यूटेशंस हो तो कैंसर सेल्स डिवेलप होते हैं। उसके बाद जो है मीन्स कहाँ अभी म्यूटेशन होती है, उन जीन्स में जो कि नॉर्मली सेल डिवीजन को कंट्रोल कर रही होती हैं, जब उन जीन्स में डिफेक्ट होगा तो वो सेल डिवीजन कंट्रोल में नहीं रहेगी, जब वो अनकंट्रोल्ड हो जाएगी तो
सेल्स की तादाद में इजाफा हो जाएगा और कैंसर काज करेंगे। ठीक है, अब जो है इन म्यूटेशन से क्या होता है, ये क्या करती हैं, ब्रिंग्स टू बेसिक चेंजेस इन द कैंसर सेल्स। पहले तो क्या करते हैं, फर्स्ट मेटास्टेटिक सेल्स ब्रेक देयर कंटेक्ट विद द अदर सेल्स, उनका कंटेक्ट बाकी सेल्स से जो है वो ख़त्म हो जाता है जब वो उन्होंने, क्योंकि कैंसर सेल्स में डिवेलप होना होता है। एंड ओवरकम द रिस्ट्रिक्शंस ऑन द सेल मूवमेंट प्रोवाइडेड बाय बेसल लेमिना एंड अदर बैरियर्स। और क्या करते हैं, मींस कैसे अब कंटेक्ट ये ख़त्म करते हैं, इनके अपने मुख्तलिफ सेल्स के दरमियान बैरियर्स प्रोड्यूस कर लेते हैं। उसके बाद अल्टीमेटली मेटास्टेटिक सेल्स कैन इन्वेड अदर पार्ट्स ऑफ द बॉडी। सेकेंडली दे प्रोलीफ्रेट अनलिमिटेडली विदाउट कंसिडरिंग द चेक्स आर प्रोग्राम्स ऑफ द बॉडी। दूसरा, वो फैलते जाते हैं बगैर किसी कंट्रोल के, बगैर किसी चेक के। तो जब वो बहुत ज़्यादा फैलेंगे तो पता चल जाता है कि ये जो है अब जीन्स जो है अनकंट्रोलेबल हैं और वो कैंसर सेल्स में डिवेलप हो रही हैं। अच्छा, अब जो है हमारा टॉपिक ये तो था, कैंसर जो था वो तो था अनकंट्रोल्ड माइटोटिक डिवीजन की वजह से था, जो कि माइटोटिक एरर था। अब हम पढ़ते हैं मियोसिस। मियोसिस क्या है? मियोसिस जो है सेल डिवीजन की स्पेशल टाइप है जिसमें जो नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स हैं वो डॉटर सेल्स में रिड्यूस टू हाफ हो जाते हैं एज कम्पेयर टू पेरेंट सेल। मीन्स पेरेंट सेल्स में जो है अगर 46 हैं तो डॉटर सेल्स में 23 के पेयर की शक्ल में होंगे, तो ये इस तरह से हाफ हो जाते हैं। उसके बाद जो है इन एनिमल्स एट अ टाइम ऑफ गैमेट फॉर्मेशन ये अक्कर होती है मियोसिस, और प्लांट्स में एट अ टाइम ऑफ स्पोर फॉर्मेशन अक्कर होती है। उसके बाद हम समझाते हैं, एक डिप्लॉइड सेल है उसमें मियोसिस होती है तो वो चार हैप्लॉइड सेल्स प्रोड्यूस करती है। और ये चार हैप्लॉइड सेल्स कैसे प्रोड्यूस करती है, क्योंकि ये होती तो बिल्कुल माइटोसिस की तरह है, लेकिन मियोसिस जो है वो दो फेसेस से गुजरती है। एक होती है मियोसिस वन, दूसरी होती है मियोसिस टू। मियोसिस वन में दो सेल्स प्रोड्यूस होते हैं, फिर वही दो सेल्स फर्दर जो है मियोसिस टू से गुजरते हैं जिससे चार सेल्स प्रोड्यूस होते हैं। तो दो डिविजन्स होते हैं कंजेक्टिव होती हैं जिसमें जो है एक दूसरे के बाद आती हैं। दोनों डिविजन्स को क्या कहते हैं, मियोसिस वन और मियोसिस टू कहते हैं। फर्स्ट मियोटिक डिवीजन जो है रिडक्शन डिवीजन होती है और जिसमें दो सेल्स प्रोड्यूस होते हैं, क्रोमोसोम नंबर रिड्यूस हो जाता है टू हाफ, और जो सेकंड डिवीजन होती है वो जस्ट लाइक माइटोसिस होती है। अब अगर हम देखें तो इन दोनों डिवीजन्स के जो है सब स्टेजेस कौन से होते हैं, प्रोफेज वन, मेटाफेज वन, एनाफेज वन, टीटोफेज वन, ये जो है फर्स्ट फेज के होते हैं। इसी तरह फेज टू के भी जो ऐसे ही नेम्स होते हैं, मीन्स प्रोफेज टू, मेटाफेज टू, एनाफेज टू, टीटोफेज टू। अब जो है प्रोफेज वन, प्रोफेज वन क्या है? प्रोफेज वन सबसे ज़्यादा लंबी फेज है, प्रोलॉन्ग्ड फेज है, क्योंकि इसमें बेसिक चेंजेस होते हैं डिवीजन के। इसमें जो है ज़्यादातर इसमें क्रोमोसोम्स इन्वॉल्व होते हैं। इस डिवीजन में जो क्रोमोसोम्स हैं उनमें एक तो वो डुप्लीकेट होते हैं, फिर वो आपस में अपने जो सेगमेंट्स हैं वो एक्सचेंज करते हैं, क्रॉसिंग ओवर, फिर वो दोबारा सेपरेट होते हैं। तो ये सारे स्टेप्स प्रोफेज में ही आते हैं, इसलिए ये लॉन्गेस्ट फेज है। इसमें अब क्या होता है, हम सब जानते हैं क्रोमोसोम्स होमोलोगस पेयर्स की शक्ल में जो है वो एक्ट करते हैं। ईच डिप्लॉइड सेल्स हैज़ टू क्रोमोसोम्स फॉर ईच टाइप, वन मेंबर फॉर ईच पेरेंट बिकॉज ऑफ द फ्यूजन ऑफ मेल एंड गैमेट, फीमेल गैमेट्स दोनों फ्यूजन की वजह से। इसलिए कहते हैं हर जो पेरेंट है मेंबर है उसके पास दो सेट क्रोमोसोम्स होंगे। अब ईच क्रोमोसोम हैज़ टू क्रोमेटिड्स, दो क्रोमोसोम है हर डिप्लॉइड सेल के पास, और हर क्रोमोसोम के पास क्या हैं, दो क्रोमेटिड्स हैं। बिकॉज द क्रोमोसोम हैव बीन रेप्लीकेटेड ड्यूरिंग इंटरफेज, उसकी रेप्लीकेशन होती है इंटरफेज। जो मियोसिस है उसमें जी टू स्टेज नहीं होता, सिमिलर बट नॉट नेसेसरली आइडेंटिकल क्रोमोसोम्स, इनको हम क्या कहते हैं, होमोलोगस क्रोमोसोम्स कहते हैं। सिमिलर होते हैं लेकिन आप ये नहीं कह सकते कि ये टोटली आइडेंटिकल है, इनमें जो जीन्स हैं उनकी इन्फॉर्मेशन भी सेम है, नहीं ऐसा नहीं होता, बल्कि वो सिमिलर होते हैं लेकिन आइडेंटिकल नहीं होते, मीन्स बिल्कुल एक जैसे नहीं होते। अब प्रोफेज वन जो है उसकी फर्दर स्टेजेस क्या हैं, फर्स्ट है जाइगोटीन, फिर पैकेटीन, डिप्लोटीन, उसके बाद डायगेनेसिस होती है। अच्छा, सबसे पहले जो है जाइगोटीन, फर्स्ट एसेंशियल फिनोमेना ऑफ मियोसिस पेयरिंग ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम्स कॉल्ड साइनेप्सिस स्टार्ट। यहाँ पे क्या होती है, यहाँ पे क्रोमोसोम्स की पेयरिंग होती है। अब क्या पेयरिंग कहते हैं, बहुत ज़्यादा स्पेसिफिक होती है, पॉइंट टू पॉइंट पेयरिंग होती है। अब क्रोमोसोम्स यहाँ पे एक कंसेप्ट है, इसमें क्रोमोसोम्स की पेयरिंग हुई है, इसमें होमोलोगस क्रोमोसोम्स पेयर्ड हुए हैं, फ्यूज नहीं हुए। फ्यूज और पेयरिंग में फ़र्क है, फ्यूज मीन्स बिल्कुल मिल जाना, जैसे कि जाइगोट है, जाइगोट दो गैमेट्स के फ्यूजन से मिलता है, इसलिए इसको इसको भी जाइगोटीन कहते हैं, लेकिन इसमें फ्यूजन नहीं होती बल्कि इसमें पेयरिंग होती है। अब वो जो फ्यूज स्ट्रक्चर होता है उसको बाइवेलेंट या टेट्राड कहते हैं। बाइवेलेंट इसलिए कहते हैं क्योंकि दो क्रोमोसोम्स होते हैं
उनकी पेयरिंग होती है होमोलोगस क्रोमोसोम्स की, टेट्राड इसलिए कहते हैं क्योंकि चार जो हैं वो क्रोमाटिड्स होते हैं। अब है पैकेटिन। पैकेटिन में क्या होता है, उन होमोलोगस क्रोमोसोम्स की पेयरिंग होती है वो कम्प्लीट हो जाती है, क्रोमोसोम्स थिकर हो जाते हैं। मजीद ईच बायवेलेंट हैज़ फोर क्रोमाटिड्स विच रैप अराउंड ईच अदर, नॉन सिस्टर क्रोमाटिड्स ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम्स एक्सचेंज देयर सेगमेंट्स ड्यू टू क्वाज़मेटा फॉर्मेशन, अपने सेगमेंट्स एक्सचेंज करते हैं जिसको क्या कहते हैं, क्रॉसिंग ओवर कहते हैं। अब क्रॉसिंग ओवर आपको पता होना चाहिए क्या होती है, होमोलोगस क्रोमोसोम्स के जो नॉन सिस्टर क्रोमाटिड्स हैं वो आपस में एक्सचेंज करते हैं अपने क्रोमोसोम्स। ये अगर डायग्राम में डिटेल में समझाती हूँ, इन दिस वे रिशफलिंग ऑफ जेनेटिक मटेरियल अकर्स विच प्रोड्यूस रिकम्बिनेशन, रिशफलिंग हो जाते हैं मीन्स जब सिस्टर जो नॉन सिस्टर क्रोमाटिड्स हैं होमोलोगस क्रोमोसोम्स के वो अपने सेगमेंट्स एक्सचेंज करेंगे तो जीन्स एक्सचेंज होगी, जीन्स के एक्सचेंज से जो है जो फर्दर डॉटर सेल्स होंगे उनमें न्यू रिकम्बिनेशन ऑफ जीन्स होंगी उनमें, क्योंकि रिशफलिंग हुई है जेनेटिक मटीरियल की बाय क्रॉसिंग ओवर। इन दिस वे रिशफलिंग ऑफ जेनेटिक मटीरियल अकर्स विच प्रोड्यूस रिकम्बिनेशन, जिससे रिकम्बिनेशन प्रोड्यूस होते हैं। पैकेटिन जो है डेज वीक्स इवन ईयर्स तक भी जो है लास्ट होती है क्योंकि ये लॉन्गेस्ट इस फेज है प्रोफेज वन की, जबकि लेप्टोटिन ज़ाइगोटिन देखो तो कुछ घंटों के लिए ही होती है। अब डिप्लोटीन में क्या होता है, अब ज़ाइगोटिन में इनकी क्या हुई, उनकी पेयरिंग भी होगी फिर एक्सचेंज ऑफ सेगमेंट्स भी होगी। डिप्लोटीन में क्या होता है, अब वो अपने वही क्रोमोसोम जिनके दरमियान क्रॉसिंग हुई है वो एक दूसरे को रिपेल करते हैं, सेपरेट होते हैं, सेपरेशन करते हैं, फिर भी कंप्लीट नहीं होती बास पॉइंट्स पे जहाँ पे क्याजमेटा बना था। अब यहाँ पे देखें ये दिखाया गया, अब ये है फर्स्ट लेप्टोटीन। लेप्टोटीन में देखें यहाँ पे जो है अभी सिर्फ फर्स्ट फेज है, क्रोमोसोम जो हैं एक दूसरे के पास आए हैं, ठीक है, ये होमर थिक हुए हैं और एक दूसरे के करीब आए हैं। ज़ाइगोटीन है दूसरी, ज़ाइगोटीन में इनकी क्या हुई है, पेयरिंग हुई है। उसके बाद है प्रोफेज वन, ये भी प्रोफेज वन की पैकेटीन है। पैकेटीन में क्या होती है, अब यहाँ पे देखें एक्सचेंज करें अपने सेगमेंट्स पर क्रॉसिंग ओवर, ये रेड वाला और ब्लू वाला पार्ट जो है ये अपने आपस में क्या करें इस तरह से क्रॉस मीन्स ये जो है एक दूसरे के साथ एक्सचेंज करें अपने सेगमेंट्स। अब डिप्लोटीन में देखें, डिप्लोटीन में कहते हैं टोटली सेपरेट हो जाते हैं लेकिन कुछ पॉइंट्स पे जो है अभी भी वो एक साथ होते हैं। हम देखें यहाँ पे क्लोज सेपरेट हो गए हैं ये जो सिस्टर क्रोमेटिड्स हैं, लेकिन उस पॉइंट पे जहाँ पे क्याजमेटा बना था मीन इस पॉइंट पे जहाँ पे वो एक दूसरे से मिले थे उस पॉइंट से वो अलहदा नहीं होते बल्कि मिले होते हैं, अटैच होते हैं। फिर उसके बाद डायकनेसिस में क्या होता है, डायकनेसिस कहते हैं तकरीबन क्रोमोसोम जो है एक दूसरे से सेपरेट हो चुके होते हैं लेकिन सिर्फ एंड्स जो हैं एंड पॉइंट्स हैं वहाँ पे फिर भी मिले हुए होते हैं। अब ये चूंकि दोनों का एंड पॉइंट है यहाँ पे फिर भी ये इनके दरमियान यूनियन है। अब यहाँ पे ये डायग्नोसिस पढ़ते हैं, इसमें क्या होता है, ड्यूरिंग दिस फेज द कंडेंसेशन ऑफ क्रोमोसोम्स रीचेस टू इट्स मैक्सिमम, मजीद कंडेंसेशन हो जाती है, एट द सेम टाइम सेपरेशन भी होती है होमोलोगस क्रोमोसोम्स की, तकरीबन कंप्लीट होती है लेकिन कुछ पॉइंट्स पे अभी भी यूनाइटेड होते हैं। वो कौन से होते हैं पॉइंट्स, मोर ऑफन एट एंड, सिर्फ एंड पॉइंट्स होते हैं, ठीक है, न्यूक्लियोलाई भी डिसअपीयर हो जाती है इसमें। अगर आप देखें ये है न्यूक्लियोलस, ये बाहर न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस यहाँ पे देखें पूरा है, ठीक है, थोड़ा थोड़ा डिसअपेयर हो रहा है यहाँ पे देखें, यहाँ से थोड़ा थोड़ा डिसअपेयर हो रहा है और यहाँ पे देखें अब यहाँ पे डिसअपेयर होना शुरू हो गया है डायकनेसिस में। तो ये थी प्रोफेज वन ऑफ म्योसिस वन जो कि कंप्लीट हो गई। होप सो आपको समझ आई होगी। अल्लाह हाफिज़।